अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज 15 अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। यहाँ पे हर घर में तिरंगा है, हर घर में झंडे लहर रहे हैं, इवन हमारी विंडो पे भी है और बाहर पूरे हमारी सोसाइटी के अंदर सब जगह झंडे लगे हुए। उज्मा तो भागे क्यों इधर, आपने को झंडा दिखाने का है। उज्मा अभी उज्मा ने ना देखो क्या किए, बाहर गई थी और इसने क्या करके आई, बता बेटा। तिरंगा में नहीं होता, सही करो होट। ये देखो उज्मा ने होट पे तिरंगा बना के, किसने बनाया, तूने बनाया क्या? किसने? अच्छा तुमने बनाया क्या? ठीक से रखो होट में, एक फोटो खींचो। अच्छा ये नेल पेंट लगाया हो पैर पे, ऊपर देखो जरा, एक फोटो लेंगे, मुंह बंद करो, एक फोटो लेंगे, ऐसी बैठना। हाँ तो ये हो गया, चलो जाओ एंजॉय करो। और आई है मेरी बहन जीना, तो जिसको अभी मैंने चाय पानी भी नहीं पूछा, वो उज्मा ने ऐसी हरकत की ना, तो मुझे डर ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो ऐसा है तो और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जीनत। जीनत ने भी अपने बालों को स्ट्रेट कर लिया, उसका लुक है ना बहुत स्ट्रेट, नहीं मतलब स्ट्रेटनिंग नहीं है, इसने स्मूथनिंग करवाई है और माशाल्लाह से उसका लुक भी बहुत अलग हो चुका है। अभी इसको करा के 2 ही दिन हुआ है, ज़्यादा देर टाइम नहीं हुआ है। जिस दिन वो मेरे घर पर आई थी, देखो आप लोगों ने बोला जीनत ने दुपट्टा क्यों ओढ़ के रखा था, तो उस दिन उसके हेयर वॉश नहीं हुए थे, अब उसके बाल हेयर वॉश हो गया है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया जीनत के, अगर आप लोग बाल देखोगे ना, जीनत के जो इससे पहले वाले बाल अगर आप लोग देखोगे ना, तो तू खुद ही बता। तंगी करी ना, मैं तैयारी करते करते इतनी थक गई हूँ ना, और वो उस तैयारियों में ये सब भी था। हाँ डबल थक गई हूँ, लेकिन खुशी शाइनिंग देख रहे हो आप, बालों को देख के इतनी बालों की शाइनिंग देख रहे हो आप, कितनी शाइनिंग आई है। और जीनी के पहले बाल इतने रॉफ, इतने डैमेज, मतलब इतने डैमेज के मैं आप लोगों को इमेज लगा दूंगी। क्यों है तेरे बाल इतने डैमेज? मैं हेयर कलर करती थी, मेरे इसको ना प्रीमेच्योर ग्रेइंग का प्रॉब्लम था पहले से। आजकल तो ये किसी भी वजह से हो रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, तो ये इतना कलर की कि कलर कर करके इसने अपने बालों को डैमेज कर डाला है। और फिर उसके बाद कोई उपाय ही नहीं लगा हम लोगों को। मुझे कभी नहीं लगा था मेरे बाल ऐसे होएंगे, लेकिन मेरे बाल ना मैं कलर करने के बाद भी थोड़ा अच्छे ही रखी थी, सॉफ्ट थे। थोड़ा पीछे घूम, जरा पीछे से पीछे कर बाल, जरा पीछे से दिखाओ, मैं कंघे करके मैं कंघे लाती हूँ। अब भी बहुत डिफरेंस है उसके बालों में, सच में मुझे खुद अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैंने जब स्मूथनिंग की थी ना, तभी भी मैंने उसको बोला था कि तू भी करा ले स्मूथनिंग, बट इसने तब नहीं कराई थी। अब अच्छा वक्त है, फंक्शन आने वाला है, तो मेरी चल फेस थोड़ा लुक बदल जाएगा, जिन्हें करा लेते। हाँ बस खाली इसकी जो कटिंग है ना, थोड़ी ठीक नहीं लग रही मुझे, क्योंकि इसने अपने हाथों से बाल काटी थी ना, तो इसके लिए छोटे बड़े बाल है, इसलिए आप लोगों को ये थोड़े उठे हुए दिख रहे होंगे। तो इसके फिर भी नीचे से हम लोग ने ट्रिमिंग की है बालों की, ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए। दो मिनट हेयर स्पा बाकी है, अभी सिर्फ स्मूथनिंग करी है इसने, प्रोटीन लेना अभी इसको बाकी है। तो ये देख सकते हैं आप, इसके बाल कितने प्यारे लग रहे, इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना। तो ये तभी करा लेती ना, तो 2-3 स्पा हो जाते थे ना, और अच्छा हो जाता था। मैं कामों में बिजी, और पहली बार बताऊँ, मैंने वॉश करने के बाद भी ना आप देखोगे थोड़े से ना आपको ऐसे लगेंगे, क्योंकि मैं काम में इतना बिजी हूं। हम दोनों बहनों की एक आदत है, बाल है ना ज्यादा लंबे है ना, हम लोग बचपन से बहुत शौक था लंबे बाल रखने का, और हमने रखे भी ऐसे नहीं रखे, लेकिन तो चलो मैं अपने दर्द की वजह से, साइनस और दर्द की वजह से जब भी मुझे ज्यादा बर्डन आ जाता, अभी भी अगर बाल का मैं केयर नहीं कर पाती थी तो मैं काट देती थी, आप लोगों को पता है, मैं खुद ही से उड़ा देती थी। तो लेकिन अब जब से स्मूथनिंग की हूँ, तो मैंने बाल उड़ाना बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता अभी बाल उड़ाना, क्योंकि मुझे ऐसा लुक बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए काटती हूँ मेरे बाल, क्योंकि मेरे बाल की माशाल्लाह ग्रोथ, इसकी ग्रोथ इतनी है ना माशाल्लाह, अच्छी ना अच्छा और ये बाल जो है ना, ये देखो आपको लग रहा है कि पूरे आगे ले रखे, नहीं पीछे अभी, और इसके बाल अच्छे खासे ठीक है, बहुत ठीक बाल है। वो बेचारी करते 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 थक गई होती, लेकिन वो तो उनका काम है, वो कितने भी बड़े बाल हो, छोटे बाल हो, हैवी बाल हो, कलर करते कुछ करते बाल डैमेज होते, गिरते पतले हो जाते। आपको पता है एक बार इसका स्पा करे हम लोग ने, इसके स्पा पे इसके बालों पे रिजल्ट ही नहीं दिख रहा, इतने डैमेज बाल, लेकिन माशाल्लाह से अब बहुत अच्छा लग रहा है। बस खाली मैं बोल रही हूँ ना, ये कटिंग तूने अपने हाथ से नहीं की होती ना, ये चोटी की चोटी उड़ा देती है, मतलब बनी भी चोटी उड़ा देती है, क्योंकि ग्रोथ होती है, वो बोलती है अभी काटी हो तो 2 महीने में फिर लंबे हो जाएंगे, लेकिन अभी स्मूथनिंग के बाद ये जो छोटे मोटे बाल दिख रहे हैं ना, बारीक बारीक, बट ऐसे ठीक ही लग रहे, लुक अच्छा लग रहा है ना, तो ठीक लग रहा है, वो नीचे भी अच्छी लुक अच्छा लग रहा है। तो आप लोग है ना बिफोर एंड आफ्टर देख लो, जीनी का बिफोर कैसी थी उसकी इमेज, और आफ्टर कैसे हुआ स्मूथनिंग के बाद, लेकिन मेकओवर अच्छा हो गया, तेरा नया लुक आ गया, ऐसे हाथ डालना, हाथ देखते रहो शाइनिंग खुद ब खुद दिख रहा है।
क्या शाइन है रे जीजी, पहले थी क्या तेरे बाल वैसे शाइन, अभी तू ये वीडियो देखना। उन्होंने मेरे को खुद बोला ये जो शाइन है ना हमारे बाल में ऐसी ही रहेगी। अच्छा ये कहाँ से कराए, आप लोगों को पता तो है ना हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग एक ही पार्लर में जाते हैं, हम पूरी फैमिली अभी तो फिलहाल प्रेजेंटली एक ही पार्लर हम लोगों को बहुत अच्छा लग गया है, जिसकी सर्विस हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो हेयर हो चाहे स्किन हो, हर एक चीज के लिए हम लोग सब वहीं जा रहे हैं। ट्रीटमेंट भी मेरी बहुत अच्छी, मेरा तो स्किन और हेयर दोनों ही, मैं अभी तो मेरा जो फेस है ना एकदम नेचुरल है और मैं धूप में चल कुछ भी नहीं लगाई मैंने, कुछ भी नहीं, हिम्मत ही नहीं पड़ी कुछ लगाने। तो हम लोग जाते हैं सनास पार्लर, मालोनी में है, महाड़ा में है सनास पार्लर बोल के, आपका आपको मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो एड्रेस वगैरह जो भी आपको चाहिए होगा अगर आप लोगों को आना होगा तो उनको कॉन्टैक्ट करो, उनसे एड्रेस लो, अपॉइंटमेंट लो और फिर आ जाओ अगर आप यहाँ के। हाँ मेरी टू टोन थी, टैनिंग थी, सब निकाल दी उन्होंने, मेरे को बोला फंक्शन के लिए तुमको पूरा रेडी कर दूं। मेरे को भी देखो ना यहाँ पे मेरे को कितना मतलब पिगमेंटेशन का इश्यू था, डार्क सर्कल थे, अभी मेरे को लाइट हो गया, अभी मैंने फेस भी नहीं वॉश किया है, मैंने बिल्कुल फेस नहीं वॉश किया है, अभी मैं नींद में से उठी हुई समझ सकते हैं आप, सो के उठी हूँ मैं 4:30 बजे है, बोले तो मैं रात से नहीं सो रही हूँ, बीच में मैं सो गई थी, नींद लग गई थी मुझे, तो मैं सो के उठी, मैंने मुंह नहीं धोया लेकिन मेरा फेस अभी भी आप देख सकते हो बहुत क्लीन हो गया, शाइन आ गई है फेस पे। जीनी भी बोलती है तेरा फेस आजकल बहुत चमकने लगा है, देखो मैं तो उल्टा खड़ी हूँ। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं आप अगर तुम्हारी स्किन अभी अच्छी हो गई है, तुम थोड़े फेयर हो गए हो, कैसे हुए हो, तो है राज है। राज क्या है, एक पार्लर है हम लोग के पास जिसका नाम है सनास पार्लर, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा टाइम दो, जो है ना वो अपने क्लाइंट्स को खुद पर्सनली देखते हैं, ऐसा नहीं कि स्टाफ के हवाले छोड़ दो, बैठेंगे स्टाफ करेगा भले, वो देखते हैं हर एक चीज, कुछ कम ज्यादा लगे तो वो खुद भी देखते हैं, खुद आके करते हैं। हाँ तो ऐसा है, बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी सर्विस। तो बैठ अभी, अपन ने बहुत सारी बात कर लिया, चाय भी नहीं पूछी मैंने आते साथ, वो उज़्मा के झंडे के चक्कर में इतनी बात हो गई, बताओ। तो ऐसा है, तू टायर्ड है, तू टायर्ड है, तो मैं क्या उपाना हूँ, चलो मैं चाय बनाती हूँ। तो चाय मैंने यहाँ चढ़ा दी। हाँ क्या 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 बोली, बड़ा दुपट्टा भी रखा हुआ है अगर उज़्मा के लिए। नहीं नहीं चलेगा, अभी बस हो गया, तो ऐसा है मैं तभी बनाने वाली थी, पर नहीं नहीं हो गया अभी, क्या वैसे भी उसको दुपट्टा लेना पसंद नहीं आ रहा, वो तो ऐसा है। अच्छा तेरे गाउन्स बहुत अच्छे लग रहे हैं लोगों को, उस दिन तू ब्लैक वाला पहन के आए थे तुम लोग ने ना, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था, कहाँ से ले रही है तू गाउन्स वगैरह, कहाँ से ली, मीशो से ली है क्या मार्केट से ली, मीशो मीशो, तूने भी मीशो से लिया, ये वाला मीशो का है, कितने का है ये, 800। अच्छा मिला ना, मेरे को नहीं मालूम था, कस्टम से मुझे नहीं मालूम कि ये भी मीशो से ही परचेस कर रही है करके, क्योंकि ये पहले क्या करती थी पता है, लोकल मार्केट में जाती थी और उठा के लेकर आती थी, अब ये मीशो से मंगा रही है। ये फैब्रिक कितना अच्छा दिख रहा है, प्योर कॉटन, सॉफ्ट कॉटन, सॉफ्ट कॉटन एकदम, जो नाइटी वाला फैब्रिक नहीं होता, पहली बार ये लेके मेरे को एक डेढ़ मस्त लग रहा, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा, अभी भी सेम है, फिटिंग सेम है, कहीं से कुछ भी नहीं, जब निकालो तब। और ऐसे फैब्रिक्स में ना थोड़ा कोना ना स्लिम दिखते है क्योंकि वो ठीक ठाक लगता है। कॉटन दो तरीके के आते हैं आप लोगों को पता है, कड़क कॉटन बोली थी ना कि अम्मी ने मेरे को नाइटी पहनने मना, मैंने इतने सारे गाउन, हम लोग दोनों बहनों को घर के अंदर नाइटी पहनने का बहुत वो है, गलत किया, ऑलमोस्ट सभी ब्लैक है अभी, लोग सोचते हैं कि क्यों दोनों बहनें नाइटी नाइटी करते हैं, अरे एक्चुअली ना हम लोग ना जब जॉब पे जाते थे ना तो दिन भर वो जीन्स पहन के ना ऐसे जकड़ जाते थे, अकड़ जाते थे जीन्स शर्ट पहन के, और फिटिंग में रहते थे वो 10-12 घंटा जो जीन्स बॉडी पे रहती थी ना, ऐसा लगता था कि घर पे आओ कैसा हो नाइटी डालो आंख पे, तो वो जॉब पे से आने के बाद नाइटी डाल के इतनी आदत हो गई ना कि घर पे रहने के बाद भी फिर हम लोग को नाइटी ही चाहिए। लेकिन अब मम्मी चिल्लाते कि नाइटी के बजाय अभी आजकल कितना सारा सब कुछ आ गया मार्केट के अंदर, और ना पहले हम लोग घर पे रहते रात में ही सोच कोई देखते, अब हम मिलते कभी कोई मेहमान आया, कोई आया कुछ आया, अब तो मेहमान आते ही है, अब तो सब्सक्राइबर्स भी आते हैं कभी कभी। हाँ बेटा क्या अभी और झंडा बना गई, ये लड़की सही वाला बना रही है 15 अगस्त, ये लड़की सही में 15 अगस्त सही में बना रही है, गोल गोल मैं अच्छा तुम क्या, नहीं रुको ना रुको, बच्चे गोल गोल बोलो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलो, हैप्पी इंडिपेंडेंस, हैप्पी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे आज 15 अगस्त है। अच्छा तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, वो आर्मी ऑफिसर बनना चाहती है क्योंकि वो अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसके लिए मैंने झंडा बनाया। तुम क्यों आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो, पूरी कहानी बताओ ना, आज का दिन बहुत अच्छा है ये कहानी बताने के लिए, चलो। मुझे देश सही से मुंह खोल के बनना है।
क्यों आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो? आप दोनों को संभालने का। तो मैं तो मेरे को और बाबू को संभालने के लिए तुम आर्मी ऑफिसर क्यों बन रहे? जी नहीं, जरा गैस लो कर जल्दी जरा। तेरे स्लो करे तक के तो पूरी चाय मेरी गई चक्कर में, यहाँ जल गई हमारी चाय। देख सकते यहाँ पे हालत क्या है। जीनी पूछती है चाय बह गई, मेरे लिए बह नहीं गई, जरा देख ले आप बचा क्या है। हाँ बोलती है थोड़ी बची है तो तू पी ले जान दे, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि गैस फास्ट था, एकदम धड़ 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 सब बह गया। तो ऐसा है, देख सकते है आप। अयो सो आप लोगों से बात करने के बाद खाना वाना खा लिए हम लोग। जिन्हें ने तो नहीं खाई, मैंने ही खाई, वो खा के आई थी बोलते पास्ता वास्ता, तो उसने कुछ भी नहीं खाया। मैंने खाना खाई, उसमें ने खाना खाई, उसमें को जिन्हें ने खाना खिलाया क्योंकि मैं कर रही थी सफाई थोड़ी, ड्रेसिंग टेबल की झूलरी वूलरी सब मेरी इधर उधर तहस नहस फसरी पड़ी हुई थी, तो वो सेट कर रही थी। अभी जा रही जिनी, तो वो जरा उसका पूछने का भी है ना कि कौन सा कंडीशनर और शैम्पू अभी यूज़ करने का, क्योंकि स्मूदनिंग के बाद स्मूदनिंग का शैम्पू और कंडीशनर अलग होता है। जैसे कि मैं भी लगाती थी, अलग ही लगाती थी, मैं तो कलर वाला लगाती थी क्योंकि मैं पूछना इसलिए भी है क्योंकि मेरे से तो भाई संभलते नहीं है बाल। हम लोग तो घर के कामों में ऐसे रहते हैं। नहीं तो उसमें संभालना क्या है, स्मूदनिंग के बाद तुमको सिर्फ कंडीशनर और शैम्पू का ख्याल रखना है और कुछ संभालने जैसा है नहीं। स्मूदनिंग एक बार हो गई ना, स्मूथनिंग कब तक संभालने का रहता है पता है? जो जब तक वो वॉश नहीं होते, वो जो दो दिन का टाइम देते ना लोग, वो टाइम पे बहुत संभालने का रहता है। उसके बाद क्या संभालने का रहता है? उसके बाद कुछ संभालने का नहीं रहता है। दो दिन में भी कितना भटकी। हाँ ये लोग फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं ना, कर रहे थे ना, तो इसके लिए लोग ये भटकी रिक्शा रिक्शा में घूमी है। जबकि मेरी स्मूथनिंग के बाद मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकली थी, मैं तो फंका भी स्लो चला रही थी ताकि वो उड़े नहीं, ताकि वो मुड़े नहीं। बाल एक बार मुड़ गए ना वो समय में तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता, लेकिन माशाल्लाह फिर भी तेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया समझी ना, इतना भटकने के बाद भी इतना काम रहता है। ये दो दिन कंटिन्यूसली रिक्शाओं में भटकी है बाल खुले रख के, क्योंकि वो दो दिन बाल बांध नहीं सकते ना। और अभी तो इसको हेयर वॉश करना अभी घर का बाकी है, क्योंकि अभी तक इसने घर पे आकर दो दिन से बाल वॉश नहीं की, क्योंकि शैम्पू कंडीशनर पता नहीं है हमको, अभी पूछेंगे तो बताएंगे, तो वही लाके अप्लाई करने का। मेरे को तो मैं कलर वाला शैम्पू जो कंडीशनर था ना वो अप्लाई कर रही थी, लॉरियल का जो उन्होंने बताया था, तो क्योंकि स्मूदनिंग का अलग होता है और स्मूदनिंग के बाद अगर आप कलर कर रहे हो तो उसका शैम्पू कंडीशनर अलग होता है, कुछ भी नहीं लगा सकते आप। तो ऐसा तो पूछ लेंगे तो वो भी उसको अच्छा लगेगा, इतना नहीं है उसको लग रहा है और केयर करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। अम्मी अम्मी कैसे मालूम, मैं रबर बांधी ना मेरे को थोड़ा टाइट लगता है, आते ऐसे करके चले गए, क्या किए थोड़ा बाल खराब नहीं होना चाहिए। नहीं चले, लेकिन इतना मोटा रबड़ मत लगा, बारीक पतला रबड़ दू वो लगा, रुको इस मैं तो वही रबड़ लगाती है, ले रुको ये देखो ये वाला रबड़ लगाती हूँ मैं, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि ये वाला रबड़ लगाएंगे तो बाल जल्दी खराब नहीं होते और टूटते फूटते भी नहीं इससे बाल, तो यही रबड़ लगाने का 10 रुपए का 5-6 रबड़ आता है। तो मेरे को तो उन्होंने पार्लर से ही देके भेजे थे, लो यही लगाना तुम, काटा वाटा मत लगाना, लेकिन मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, काटा वटा सब रबड़ गिबड़ सब कर रही हूँ, सब कुछ हेयर वॉश पे होता है और मतलब जो अपन शैम्पू कंडीशनर अप्लाई कर रहे हो उस पर होता है। मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है भाई, बाकी मैं कैसे भी बांधती हूँ आप लोग देख रहे हो, मैं खुला नहीं रखती ज्यादा बालों को। तो चलो फिर चलते हाँ। इतना टेंशन मत ले, हो गए स्मूथनिंग अभी अच्छा है बाल, खाली तेरे को हाँ बस अब तू बांध कुछ भी कर बस, हाँ जितना ज्यादा अच्छे से उसको केयर करेगी वो लॉन्ग लास्ट होगा, ज्यादा समय तक चलेगा, सब अपने रखने पे होता है, ज्यादा समय तक चलेगा। तो ऐसा ये सब उन्होंने मुझे बोला था, तो मैं यहाँ पे बड़बड़ कर रही हूँ, प्रोफेशनिस्ट नहीं हूँ मैं, वो अब मुझसे ज्यादा अच्छे से बेहतर बता सकेंगे अगर आप लोग कराओगे तो, है ना जीनी। तो सबके बाल अलग रहते हैं हाँ, तो सबका अलग हाँ, सबकी हेयर क्वालिटी भी अलग रहती है, तो सबको अलग ही सजेस्ट। चल ठीक है, तू जल्दी जल्दी तैयार हो जा चल। ये बोलती है मैं अभी निकल रही हूँ यहाँ से, मैं बोली ना, बोलती फोन पे पूछ ले मैसेज में पूछ ले, मैं बोली अरे चल वहाँ पे जाते थोड़ा मेरे को भी अच्छा लगेगा, जाती हूँ मैं भी थोड़ा अभी ना, बार बार उनके पार्लर में जाके ना मुझे भी अच्छा लगने लगा उनसे बातचीत करके। है ना? हाँ थोड़ा फ्री टाइम मिलता है ना तो मैं पहुंच जाती हूँ, स्टाफ वगैरह भी अच्छे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जब आओगे तो मैं वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलूंगी हाँ, और उनको मेरे लिए परेशान मत क्या करना कि बात करा दो कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, वो बिजनेस के आगे बढ़ेंगे नहीं मेरे को पता है डैम श्योर। है ना जी, नाटक कर रही है वो, डर गई मैं थोड़े टाइम के लिए कि क्यों रोने लग गई। आप लोग सिर्फ उनको का, अगर आपको कुछ कराना है तो ही कॉल करना प्लीज, मेरे वजह से उनको परेशान मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि मेरे वजह से आप उनको परेशान कर रहे हो।
तो चलिए फिर जब मैं ये खाला भांजी का चलते रहता टारे 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 क्या पपी दे दो दोनों एक ही जैसे दिखते चलो अभी कहाँ रिफंड मेरी मेरे पर्स में शायद ये कौन लगाया हमारे डोर पे मेरा पर्स कहाँ थे तुम वाले को मसला मुझे सच्ची में लगा तुम जॉब पे गए थे कहाँ थे तुम तो लेकिन तुम कहाँ थे सुबह से गया था खेलने के लिए देखिए तो आपा को इस बात की खबर भी नहीं भाई एक मैसेज अरे तो एक मैसेज तो करने का ना कि तुम है किधर क्या है मेरे को सच में जी नहीं लगा कि वो जॉब पे अभी कुछ ऐसा कई बार होता है कि कुछ इमरजेंसी रहती है और मैं उनको नहीं बताती हूँ भाईजान एकदम यंग लग रहे आज भाईजान मेरे छोटे भाई देख बनियान देख फिर बाहर निकल गए उनकी क्या भाईजान तेरे छोटे भाई लग रहे अच्छा अच्छा कोई बात नहीं मैं खेल के आ चुका हूँ जगह फ्रेश होता हूँ चेंज करता हूँ बहुत चूल है तुमको देख कौन रोका जब घर से बाहर निकल गए नहीं घर से बाहर निकल गए बाहर कुछ क्यों नहीं खाए बाहर निकल गए इतना इंदुवड़ा में इंदुवड़ा इडली डोसा वड़ा पाव इतने बड़े बड़े छोले भटूरे अलसा कर रहे जैसे पैसे ही नहीं थे अच्छा कितने बेकार है ना कितने बेकार है कितने बेकार है शी जाओ हाँ चलो जाओ देखो घर पे खाना गर्म करके रखी खा लो हाँ उसमा आ जा चल उसो चल जल्दी चल चल देख कितने कैसा बोलते हैं ना मेरे को सच में नहीं मानता जी ने हो ना गए वे के लिए मजाक के मूड में तो बोले भाई अभी इसको पता चला है मैं छुट्टी नहीं की अरे सच में मुझे नहीं मालूम था जो आया जो मुंह में आया बोल दिए खबर खबर में क्योंकि सच में बता के नहीं गए वो हाँ नहीं तो क्या संडे छुट्टी है चलो समझ में आता क्या क्या बोला डर गई थी मैं क्यों डर गई थी अरे बाप रे तो ये ज्यादा हो गया ओवर एक्टिंग हो गई 50 रुपए काटो उसके 50 रुपए अरे तो क्या तो ऐसे नहीं ऐसे फंक्शन वगैरह मतलब फंक्शन बोल रही देखो छुट्टी में रहेंगे ना त्यौहार वगैरह छुट्टी कोई भी छुट्टी रहने दो संडे की छुट्टी रहने दो या कोई त्यौहार के लिए छुट्टी मिलने दो या कोई भी छुट्टी मिलने दो आपके भाईजन को उनका मैच तो पहले से ही फिक्स रहता है ऐसा नहीं कि एक दिन पहले फैमिली को बोल के फिक्स कर ले कि कल कहीं जाएंगे अब उनको तो ये मालूम है कि नाजियों को ना सोना बहुत पसंद है बस उसको सोते पड़े रहने दो उसको उठाओ भी मत और चले जाओ खेल के आने के बाद बस बदनाम कर दो कि वो सो रही थी है जी नहीं उनको ये मालूम है ना मेरे को सोते पड़े रहने देंगे तू दिन में सोती लेकिन ये भी तो बता हाँ मैं रात भर जागी भी रहती हूँ यूट्यूब के काम करती हूँ एडिटिंग करती हूँ आप लोगों को पता है कल सुबह 5:30 बजे तक के मैं एक वीडियो की शूट कर रही थी ब्रांड प्रमोशन था वो 5:30-6 बजे तक के मैं उसकी शूट कर रही थी उसको एडिट करते करते तक के ब्रांड को पहुँचाए तक के मेरे को ना सुबह हो गई फिर मैं सुबह में सो गई 9:30 बजे के आसपास मैं सो गई तब ये सो रहे थे तो मैं बोली चलो मैं भी सो जाती हूँ उठेंगे तो सब साथ में उठेंगे मुझे क्या मालूम मेरे पिट के पीछे ही उठ के चले भी जाएंगे बता चल कोई नहीं चलो मिलती हूँ मैं आप लोगों से बाद में बस बस फैल जाएगा बस एक एक उंगली से लाइन तक के बस उससे ज्यादा ऊपर नहीं लेने का शेप में आना चाहिए हम है हिंदुस्तानी
नहीं नहीं इधर है, देखो मेहंदी देखो, इसको है ना क्या करने का, जो एक्स्ट्रा है ना उसको ऐसे वॉश, रुक रुक रुक, इधर से लेने का, अब ऐसे लगाना, मेहंदी को वेस्ट नहीं करते, जो एक्स्ट्रा रहता है ना गार्ड बनी हुई है उसको फोड़ लेने का। अब गोल गोल की वाड़ी आई, क्या गोल गोल वोट गोल गोल वो नानी इधर से लगाते हैं ऐसे लगा देती है, हेलो सूखने से ना बात में, हाँ फिर निकाल लो, रुको रुको रुको, क्या है ना फिर निकाल, हो गया ना, नहीं अभी गोल गोल नानी की तरह, क्या गोल गोल, अरे अरे अबे थोड़ा सी लगा के गोल गोल करो, ये गोल, अरे गोल डालो, थोड़ा सी मेहंदी डालो बीच में डालो, बीच में डालो थोड़ा सी मेहंदी, मैं समझ गई कौन सा गोल गोल, वो नानी लगाता है, हाँ नानी लगा, ऐसे नहीं डालते, रुको मैं बताती, रुको मैं बताती गोल गोल कैसा होता है, नानी जो बनाते हैं ना गोल गोल, ये ऐसा डाले और सब पुम पुम से गोल गोल करते, अच्छा करो गोल चाहिए मेरे को, पर ऐसे वो गोल बनता है, ऐसा कौन सा गोल बन रहा है आड़ा तेड़ा, ये इतना बड़ा नहीं, मम्मी अभी मन गया तो मन गया, इतना बड़ा, हाँ रुको मैं गोल करूँ थोड़ा, रुको 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 रुको, मौजिली का आमी मौजिली, अब तक देखा मेहंदी, ओ बाबू गोल गोल उसमें गोल गोल नानी की जैसी मेहंदी, नानी की जैसी मेहंदी लग गई, नानी वाली मेहंदी, अब दूसरी हाथ पे भी लगानी, नहीं 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 रुक पहले इसको मैं गोल करूं, ऐसी मेहंदी लगाई मेरी बेटी, माशाल्लाह मैं नसीब वाली, मेरी बेटी ने मेरे को मेहंदी लगाई, लेकिन बोलती है ना दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगाने का, आमी मंजुली का है, अभी रुकना अभी मत निकाल, अभी 5 मिनट सूखने दे, रुक जा सूखेगा तो मैं बताती हूँ, मैं अंगूठे का देखती हूँ, नहीं अभी इतना लगा तो सतीश निकाल रही है, तो रुक 5 मिनट जरा, तो वो कौन था?